हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारी सी एक बूटी लेकर आई हूँ। ये फ्रेंड्स आप 1 ईयर से लेके देखिए 1.5 साल के बच्चों के लिए आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत कम ऊल भी लगता है और आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 32 फंदे लिए थे। 32 फंदे लेने के बाद अब मैं बताती हूँ इसका मेज़रमेंट। यहाँ पे देखिए मैंने 32 फंदे ले लिए हैं फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, आपने अपने बच्चों के पैर का लेंथ माप लेना है कि आपने इसको कितना लंबा बनाना है। 32 फंदे लेने के बाद मैंने ये डिज़ाइंस डाली हुई है। उसके बाद अब देखिए मैंने उतना बना लिया जितना मुझे चाहिए था। तो ये मैंने जो बनाया है फ्रेंड्स, ये 1 साल से लेके आराम से 1.5 साल के बच्चों के लिए आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसके लंबाई के बाद आपने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे हमने अब हमारा यहाँ पे 2 फंदों का एक होगा। यहाँ पे मैंने 2 फंदे का एक किया, फिर देखिए हमने यहाँ पे भी 2 फंदे का एक किया। ऐसे ही हमने पूरी सिलाई तक 2 का 1 2 का 1 करके ये करना है। देखिए बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप इसको बचे हुए ऊल से भी बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइंस डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सिंपल से भी आप निटिंग करके बना सकते हैं, गार्टर स्टिच, सिंपल निटिंग, जितने भी कलर बचते हैं सब एक एक लाइन की बना के फिर आपने ऐसे ही प्रोसेस करना। उसकी लंबाई आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं, जितनी भी बड़े छोटे भी बच्चों के लिए बना सकते हैं, बस लेंथ आपको लंबाई इसकी कम करनी होगी। तो देखिए हमने ऐसे ही 2 का 1 2 का 1 करके देखिए लंबाई के बाद सेम यही, बस यही एक वो है आपको याद करना होगा। यहाँ पे ही बस हमने ये 2 का 1 2 का 1 प्रोसेस करना है। उसके बाद सारा सिंपल ही निटिंग हुई है। अब देखिए ये हमारा 2 का 1 2 का 1 हो गया फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है, एक नीडल लेना है, एक सुई लेके हमने, आप देखिए फ्रेंड्स हमने देखिए ये सुई में ऊन को इंसर्ट कर लिया। अब हमने एक एक फंदे आपने देखिए इस पर सुई पे लेना है। 2 का 1 2 का 1 कर दिया हमने फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा 32 फंदा था। 2 का 1 करने के बाद 16 फंदे हमारे टोटल बचेंगे। तो इन सारे फंदे को हमने देखिए सुई पे ऐसे ही उतार लेना है। एक एक फंदे आप केयरफुली उतार ले फ्रेंड्स, ताकि एक भी फंदा हमारा यहाँ पे छूटे ना। तो देखिए ये देखिए हमने ऐसे करके सारे फंदे को हमने सुई पे ले लिया। फिर आपने क्या करना है देखिए, अब इसको हम ऐसे खींच देंगे बैक साइड से। हमने ये करना है देखिए, इसको ऐसे नहीं करना है, आपने इसको ऐसे पलट लेना है और बैक साइड से हमने ऐसे इसको खींच लिया फ्रेंड्स। अब हमने देखिए यहाँ पे 1 2 बार टाइटली टक कर देंगे ऐसे ही सुई को लेके, और यहाँ पे देखिए ऐसे हमने टक कर दिया। हमारा ये वाला देखिए पोर्शन बन रहा है, जैसे हमने यहाँ पे भी ऐसे 2 का 1 2 का 1 किया है। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे एक टाइट नॉट लगा देनी है ताकि हमारा यहाँ से खुले ना। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, हमने यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिंपल से स्टिचिंग करनी है। ये देखिए हम ऐसे ही इसकी स्टिचिंग करते हैं। आपने स्टिचिंग करते समय एक चीज़ का केयर करना है फ्रेंड्स, कि हमारी सिलाई पीछे की साइड दिखे ना। अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इतनी स्टिचिंग कर ली है। अब इतना आपने पैड देखिए डालने के लिए हमने ये इतना छोड़ना है, देखिए इतना।
आप अपने हिसाब से जैसे पैर जब हमने यहाँ पे डालना है फिर उतना आपने ऐसे छोड़ के, फिर यहाँ से हमने देखिए एक नॉट लगा के कट कर लेनी है। यहाँ से कट करने के बाद फ्रेंड्स हमने ये पोर्शन सिल लेना है। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ तक इतनी स्टिचिंग कर ली, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब हमने इसको सीधा करना है, काफ़ी स्ट्रेचेबल भी होती है फ्रेंड्स ये डिज़ाइन। तो ये ईजिली देखिए 1 ईयर से लेके 1.5 ईयर के बच्चों के लिए आ जाएगा। देखिए कितना इजी था फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, देखिए मैंने ये क्रोशिया से बनाया हुआ है तो आपने भी क्रोशिया लेना है, कोई से भी, दोनों कलर्स में से कोई सा भी आपने कलर लगा के। फिर देखिए अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से सिंगल क्रोशिया और एक एक चैन लेते हुए, देखिए एक चैन लिया, फिर देखिए देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही हमने ये 1 चैन लेना है, एक चैन लेंगे फिर जस्ट इसी के बगल वाले देखिए। अब देखिए हमने ये सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए एक चैन, ऐसे ही हमने पूरी राउंड को कंप्लीट कर लेना है। देखिए ऐसे ही फिर हम देखिए ऐसे ही बना के हमने पूरी राउंड कंप्लीट कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स ये हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आपने एक लेस लेनी है पतली सी, देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू और गोल्डन कलर के लिए, आप कोई भी कलर ले लो जो अच्छा लगे इस पर। उस लेस को हमने कैसे लगाना है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक लेस लिया है, उसको हमने देखिए ऐसे इसमें इंसर्ट करना है, एक एक हुक में इंसर्ट करके देखिए ऐसे इंसर्ट किया यहाँ से। फिर हमने ये यहाँ से डाल के ऐसे ही, ये देखिए क्योंकि हमने ये क्रोशिया से किया है तो इसलिए ये देखिए ये देखिए हमने ऐसे ही ये देखिए बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड्स। इससे बनाने से एक नया लुक भी आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। देखिए एक के बाहर निकालना है, एक के बाहर हमने तुरंत निकालना है और दो के बाद हमने ये देखिए ऊपर से हमने 1 और 2 दो के ऊपर से यहाँ पे इंसर्ट करना है अंदर, फिर एक के बाद हमने ऐसे निकाल लिया, फिर यहाँ पर 2 के बाद हमने ऐसे, फिर ऐसे, फिर देखिए अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो इसको हमने अंदर एक बार यहाँ से इंसर्ट करके, फिर देखिए हम इसको भी यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं अंदर की साइड। अब क्या करना है, आपने सुई लेके इन दोनों को अच्छे से टक कर देना है। टक करने के बाद फ्रेंड्स ये हमारा एकदम पक्का हो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद। ये मैंने देखिए ये 6 मंथ के बेबी को पहनाया भी है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। ऐसे रहो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ज़रूर